बेफाम स्पीड में चलती बीआरटीएस बस चालके फरी अकस्मात सर्ज्यो हतो, जेमा युवती नु मौत निपजू हतु। शहर गोडुद्रा विस्तार में युवती बीआरटीएस रोड क्रॉस करवा जता चालके अड़फेट लीधी हती, जे बाद तेने गंभीर हालत में सारवार अर्थे खानगी होस्पिटल खसेड़ाई, ज्यां तबीबोए तेने मृत जाहिर करी। बीजी बाजु अकस्मात सर्ज्या बाद बस चालक फरार थयो हतो। हाल पुलिस द्वारा बस ने कब्जे करीने वधु तपास हाथ धरवामां आवी छे। स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित करवामां आव्युं हतुं। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा विविध वोर्ड विस्तार में स्वच्छता अंगे श्रमदान आयोजन करवामां आव्युं, जेमां पालिका कोर्पोरेटर अधिकारी उपरांत धारासभ्यो, सांसद, मंत्रीओ, धार्मिक संगठनों ने सामाजिक सेवाओ आपती संस्थाओ जोड़ाई हती। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो कॉल किया है, इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। हमारा जो 6 बटालियन NDRF कई लास्ट एक हफ्ते से कई जगह पर जो है वडोदरा का आसपास एरिया में ये स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसमें हमारा रेस्क्यूअर्स एवं उसका फैमिली मेम्बर्स और बच्चे सब लोग जो है इसमें भाग लिया है। और ये आज जो है इस प्रोग्राम का जो लास्ट डे है, इस संदर्भ में हम लोग जो है वडोदरा का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और फेमस जगह सुरसागर लेक में हमारा रेस्क्यूअर्स जो है और सिविलियन पब्लिक के साथ ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। जयरे मोदी जी है, एक तारीख एट के आजे एक कलाक मैं श्रमदान कर स्वच्छता अभियान की झूंबेश आखा देश में चलावा नागरिकों ने अपील करी। तरह सवारे 10 થી 11 दरमियान कार्यक्रम में आप जी रहा कि आखा भाजपा स्वच्छता माटे श्रमदान कार्यक्रम सामे गुजरात कांग्रेसे सवाल उठाव्या, जे अंगे गुजरात कांग्रेसना प्रवक्ता हिरेन बैंकर द्वारा प्रेस कॉन्फरन्स करवामां आवी, जेमां तेमणे भाजप पर प्रहार करता कह्युं, महात्मा गांधी स्वच्छता अने सत्यना पुजारी हता, स्वच्छताना नामे पोतानी छबी चमकावा निकळेला भाजपनी नीति मैली छे। वधुमां तेमणे कह्युं, संसदमां रजू थयेला आंकड़ाओ सरकारनी पोल खुल्ली पाड़े छे, ज्यां स्वच्छ भारत मिशन हेठळ ग्रामीण विस्तारमां वर्ष 2019-2021 सुधीमां 1,845 કરોડ રૂપિયા બજેટમાં ફાળવાયા, જેમાંથી માત્ર 600 કરોડ વપરાયા હતા, તો શહેરી વિસ્તારમાં 4 વર્ષમાં સ્વચ્છ ભારત મિશન અને સ્વચ્છ ભારત મિશન 2.0 હેઠળ 2,753 કરોડ રૂપિયામાંથી માત્ર 95.46 કરોડનું ફંડ રિલીઝ કરવામાં આવ્યું। તેમજ તેની સામે વર્ષ 2019-2021 અને 2022માં સરકાર દ્વારા 1 પણ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી નહોતી। જ્યારે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજી જે સ્વચ્છતા અને સત્યના પૂજારી હતા, એમના દિવસે સ્વચ્છતાની વાતો કરીને નિત નવા ગતકડા કરીને પોતાની રાજનીતિ ચમકાવવા નીકળેલી ભાજપ સરકારની નીતિ નિયત એ મેલી છે। 1,845 કરોડ રૂપિયા બજેટમાં ફાળવણી કરવામાં આવી, પરંતુ એમાંથી માત્ર 600 કરોડની આસપાસનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, જ્યારે 687 કરોડ જેટલા રૂપિયા વણ વાપર્યા રહ્યા